हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके नए वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नए इन्फॉर्मेशन, जैसे हम ARO, ठीक है ना, जिसका ARO, ठीक है ना, ARO गया है, याद रखना, जिनका ARO गया है, ठीक है ना, जिनका ARO गया लगता है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उनका क्या है कि जॉब है, उनके पोस्ट कौन कौन सी हैं, देखिए देखिए जो GD वगैरह हैं, और बात करेंगे कि गया के डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से, जो गया के जो ARO पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले गया में ARO गया के अंतर्गत फॉर्म फिल करके अपना आर्मी की जॉब ले सकते हैं, रैली भर्ती में भाग ले सकते हैं। जी हाँ, रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको फटाफट देखिए बात पूरी की जाएगी, एक एक पॉइंट के बारे में समझाया जाएगा, कब से कब तक ऑनलाइन होंगे, कब आपकी रेस होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, कहाँ आपकी रेस होने वाली है और कौन से डिस्ट्रिक्ट जिला के युवाएँ हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो बने रहना है और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है ना। तो गया वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, युवाएं हैं, ठीक है ना, वो यार एक बात बता दूं, जो गया के देखे केवल युवाओं के लिए है, यह नहीं कि फीमेल के लिए, मतलब कि महिलाओं के लिए नहीं है, ये केवल बॉय के लिए है, मेल के लिए है, ठीक है ना, फीमेल के लिए नहीं है। तो ARO गया के एक एक नोटिफिकेशन की बात की जाएगी, कहाँ आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नोटिस होना चाहिए, सारी नोटिस, एक एक नोटिस के बारे में समझेंगे और लास्ट इस वीडियो में बने रहना है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। अब देखिए बात करने वाले हैं, देखिए सेना यहाँ बात की जा रही है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं, एक एक पॉइंट के बारे में समझाया जाएगा। तो यहाँ बात की जा रही है सेना भर्ती, देखिए यदि आपको इसका नोटिफिकेशन जाना है तो लिंक मैं नीचे डिस्कशन में दे सकता हूँ, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम को जानते हैं तो टेलीग्राम पर पेपर हैकर जैसे सब्सक्राइब शेयर एक्चुअली सर्च करेंगे तो वहाँ हमारा सबसे पहले मिल जाएगा और वहाँ आप आसानी से सारी इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वरना PDF डाउनलोड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैं एक एक जानकारी को बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा। तो यहाँ बात आने वाले हैं, देखिए यहाँ बात की जा रही है सेना भर्ती कार्यालय, जैसे हम सेना भर्ती कार्यालय का मतलब होता है ARO, ठीक है ना, तो जिसका ARO गया है, ठीक है ना, जिसका ARO गया होता है, गया में पड़ता है, ठीक है, उन युवाओं के लिए, उन देखिए फिर कह रहा है कि सेना भर्ती जो पुरुष, केवल पुरुषों के लिए है, केवल मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। मैं भाई ये पहले भी बोल चुका हूँ, और जो आपकी सेना, जो आपकी एक्चुअली जो रेस लगेगी, रेस की बात की जाए, जो आपकी दौड़ लगेगी, ठीक है ना, जो दौड़ होगी वो, अब बात आ जाती है कि दौड़ कहाँ होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बात की जा रही है कि बिहार, देखिए बिहार सैन्य पुलिस, ठीक है ना, 3 ग्राउंड, जिसे हम बोध गया, जिला गया में है, बोध गया है और उसका जिला, जो बोध गया का जिला पड़ता है वो गया, ठीक है ना। तो बोध गया में आपकी रेस होगी, कब से होगी, तो 4 फरवरी से 18 फरवरी तक, 18 फरवरी 2020 तक आपकी रेस हो जाएगी। तो याद रखना इस बात को, अब देखिए फरवरी में आपकी रेस है तो याद रखना, काफ़ी आपको मेहनत करने की, यहाँ सलाह देता हूँ मैं आपको कि आप काफ़ी मेहनत करिए तभी आप अच्छे भविष्य में, आप देखिए आर्मी की भर्ती लेनी है, आर्मी की भर्ती लेनी है, आर्मी में रजरूम, तो समझो आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फरवरी, 4 फरवरी से आपकी रेस की, लेकिन बात करने वाले हम कि कब फॉर्म फिल करने वाले हैं, कब फॉर्म फिल होंगे और कौन कौन से राज्य के, कौन कौन से, जी हाँ, कौन कौन से जिला के, आप इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले गया के ARO में रजिस्ट्रेशन करके उसमें युवाओं को, युवाएँ वो अपना भाग ले सकते हैं, तो बात करने वाले हैं। तो देखिए पहले है अरवल, जो अरवल है, अरवल के जो युवाएं हैं, ठीक है, औरंगाबाद के, गया के, जमुई की, जवानाबाद के, कैमून की, ठीक है ना, कैमून, इतने जब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे क्या है, ये जिले के जो युवाएं हैं, ठीक है ना, पुरुष हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, याद रखना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कहीं आप कैफ़े पर जाके करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बात के देखिए जवानाबाद है, ठीक है, कैमूर हो गया, लखी और लखीसराय हो गया, और फिर उसके बाद में जो आपका नरंद और नवादा और रोहतांग, और देखिए यहाँ बात शेखपुर, ये जो ज़िले हैं, ठीक है ना, इतने जो ज़िले हैं उसमें आप युवाओं को, देखिए कह रहा है कि युवाओं को, उम्मीदवारों को लिए 4 फरवरी 2020 से 18 फरवरी 2020 तक बिहार सेना पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस होती है, बिहार सैन्य पुलिस, ठीक है ना, 3D, मतलब कि 3 जो ग्राउंडन है बोध गया के, गया में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है या किया जाएगा, ठीक है ना। तो सेना भर्ती का आयोजन जो आपका सेंटर पड़ेगा वो बिहार सैन्य पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस 3 गार्डन बोध गया के, गया जिले में आपको क्या है, आपकी रेस होगी, ठीक है ना, रैली का आयोजन किया जाएगा और ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। देखिए कहा जा रहा है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और देखिए यहाँ कह रहा है कि पंजीकरण दिनांक, देखिए 6 दिसंबर से, जी हाँ 6 दिसंबर से आपका, 6 दिसंबर 2019 से 19 जनवरी 2020 तक
खुला रहेगा, ठीक है ना। तो आप पंजीकरण करने की बात की जाए तो लास्ट डेट 19 है, 19 जनवरी 2020 आपकी लास्ट डेट है। आपको 19 जनवरी से पहले पहले, ठीक है ना, आपको रजिस्ट्रेशन करा देना है, उसके बाद में खुला रहेगा। फिर कह रहा है कि सेना में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड की बात की जाए, आप बात किया एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट आप कार्ड 21 जनवरी से, देखिए बी आप 19 जनवरी तक आपके ऑनलाइन होंगे, उसके बाद में 21 जनवरी से 31 जनवरी तक, जी हाँ देखिए 21 जनवरी से 31 जनवरी, मतलब कि 10 दिन, ओनली 10 दिन आपके डाउनलोड होंगे, ठीक है ना। तो तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन ईमेल पर भेजे जाएंगे, तो जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको जो ईमेल जो जीमेल होती है वो आप रजिस्ट्रेट करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय, उस पर आपको भेज दिया जाएगा। फिर कहा गया अध्यार्थी को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि को दिए गए स्थान पर उपस्थित दर्ज करानी होगी। फिर आपको जो उसमें जो सेंटर डाला होगा, जो सेंटर आएगा एडमिट कार्ड पे, वहाँ आपको दिनांक, जो दिनांक और समय दिया होगा, आपको वहाँ उपस्थिति मतलब प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपके जो सरणी के जो युवाएँ हैं, ठीक है, गुणवत्ता आदेश के आधार पर जाँच की जाएगी। तो किस किस जाँच की जाएगी आप, तभी आप इस भर्ती के लिए आप योगदान रह सकते हैं, तो वो बात की जा रही है। देखिए सामान्य ड्यूटी जिसे हम GD कहा जाता है, तो GD के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, एक्चुअली आयु योग्यता होनी चाहिए वो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 तक के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके बाद में कह रहा है जो उसकी लंबाई की बात की जाए, जो युवाएं हैं उनकी जो लंबाई होती है, हाइट होती है, वो 159 सेंटीमीटर रखी गई है, और 50 किलो वजन, और साथ में देखिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट उसका बिगर फुलाए, जो 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और +5, ठीक है ना, और फुला के जो चेस्ट फुला के जो नापा जाता है, तो वो उसके बाद में आपको 5 सेंटीमीटर और फुलाना है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद में कह रहा है जो अवर्धा मतलब कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो वो कह रहा है जो मिलिट्री के लिए होता है वो कक्षा प्रत्येक क्रम में केवल 10 में पास होना चाहिए, मतलब कि कक्षा 10, ठीक है ना। और उसमें क्या होना चाहिए, 33 से 45% होनी चाहिए, 33 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, 33 से 45% होने चाहिए परसेंटेज होनी चाहिए, और 10वीं पास होना चाहिए, ये बस योग्यता मानी गई। और इसके बाद में कह रहा है सेकंड तकनीकी की बात की जाए, जो टेक्नोलॉजी होती है, तो आप टेक्निकल जानते हैं, ठीक है ना, आर्मी टेक्निकल और नर्सिंग और असिस्टेंट वगैरह, इनके लिए 17.5 से 23 वर्ष के बीच में रखी गई है। तो यहाँ वो लोग होते हैं वो 1 अक्टूबर 1996 से लेकर से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है वो इसमें भाग ले सकता है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए, बाकी सेम वजन रहेगा, सेम चेस्ट रहेगा, सेम लंबाई रहेगी, और इसकी जो लंबा और उसकी क्वालिफिकेशन मतलब कि उसकी पढ़ाई की बात की जाए, उसके कितने पास होना चाहिए, तो एक्चुअली उसे 12th पास होना चाहिए, मतलब कि इंटर, ठीक है ना, इंटर पास होना चाहिए, और इसमें 50% मार्क्स अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। और उसके बाद में आपका स्टोर देखिए, यहाँ कह रहा है कब शॉपकीपर अगर स्टोर वगैरह होते हैं उनके लिए भी यही एज रखी गई है, और ये 12वीं पास होने चाहिए, और लेकिन इनका जो परसेंटेज है वो 60% से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में सैंड ड्यूटी जो ट्रैक्स ट्रेडमैन होते हैं, ट्रेडमैन के लिए आपको हाई स्कूल और 8वीं कक्षा 8 होनी अनिवार्य कर दी गई है, और ये भी आपकी एज 17.5 से 23 वर्ष होती है। अब देखो बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, एक एक पॉइंट के बारे में बताते हैं हम लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, ठीक है ना। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम बहुत जल्दी आपको दे देते हैं। अब यहाँ देखिए बात करने वाले हैं, सारी की सारी यहाँ तक जानकारी पहुँच चुकी है, लेकिन अब यहाँ बात करने वाले किसको कितनी छूट दी जाती है। तो यहाँ जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, मतलब कि आप कहीं ड्यूटी छोड़ चुके होते हैं, ठीक है ना, और फिर आप यहाँ फॉल फील करते हैं, तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, और जो किलो में 2 किलोग्राम केल में आपको क्या होती है कि आपको छूट दी जाती है। यहाँ देखिए बात करने वाले हैं रनिंग की, रनिंग कितनी होती है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्मी में रनिंग कितनी होती है, तो 1650 देखिए 1600 मीटर आपकी रनिंग होती है, मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। और यहाँ देखिए बात करें कि जो 9 फिट यहाँ सब कुछ देखिए बोल रहा है कि आपको देख क्या करना है, यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट ग्रुप के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 60 मार्क इतने बार मिलते हैं, और पुलअप लगाने पर, पुलअप मतलब कि होता है जो ऊपर के लिए पुलअप लगाते हैं, वो 10 में से 40 नंबर मिलते हैं, 9 हो तो 33, 8 है तो 27, 7 है तो 21, और 6 है तो 16 नंबर मिलते हैं। ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपको अनिवार्य कर दी गई है, ये बहुत ज़रूरी है। और ERO गया, देखिए हम आपको एक एक जानकारी देते हैं डे बाई डे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो यार फटाफट अभी जाके रजिस्ट्रेशन करा दो ताकि आपको देरी ना हो जाए। और देखिए क्या क्या आपको लेके जाना पड़ेगा, सिग्नेचर वगैरह आपकी होनी चाहिए, बैंक कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ आपको लगेगा, ठीक है ना, आधार कार्ड ये बहुत ज़रूरी, बैंक की पासबुक भी लगेगी आपकी, ठीक है। सारी की सारी यहाँ नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं,
और आप हाई स्कूल की मार्कशीट लेके आप वहाँ फॉर्म को फिल करा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए पेपर हैकर है कुछ यूट्यूब चैनल, कोई दिक्कत है आपको, यदि कोई डिटेल्स आपको दिक्कत कर रहा है तो इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आर्मी के जो सोशल वेबसाइट है जैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी .nice.in कहा जाता है, उस पर जाकर आप सिंपली जाँच कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे दोस्तों को, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू।